आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में एक और, जहां उत्तर प्रदेश बीजेपी में चुनाव की तैयारियों को लेकर मीटिंग का दौर लगातार जारी है, तो वहीं अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने भी अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिया है। जहां इस कड़ी में कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट में 125 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए हैं, जिसमें कई नाम चौंकाने वाले हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 125 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 50 महिलाओं को जगह दी गई है। उम्मीदवारों की लिस्ट में चौंकाने वाला नाम उन्नाव रेप पीड़िता की मां का है। प्रियंका ने उनको उन्नाव से प्रत्याशी बनाया है। वहीं लखीमपुर में चीर हरण कांड की पीड़िता रितु सिंह को भी मोहम्मदी सीट से टिकट दिया गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा महिलाओं को यूपी चुनाव में तवज्जो देते हुए शाहजहांपुर में मानदेय को लेकर आंदोलन करने वाली आशा वर्कर पूनम पांडे को भी प्रत्याशी बनाया है। उधर नोएडा से पंखुड़ी पाठक को प्रत्याशी बनाया है। हस्तिनापुर से बिकनी गर्ल्स के नाम से मशहूर अर्चना गौतम को भी मैदान में उतारा है। अर्चना ने 2018 में मिस बिकनी का खिताब जीता था। प्रियंका गांधी ने कहा है कि हमारे उम्मीदवारों की सूची नया संदेश है। 40% महिलाओं के साथ 40% युवाओं को भी रखा गया है। हमें आशा है कि इनके जरिए हम एक नई तरीके की राजनीति करेंगे। महिलाओं में जो टिकट दिए थे उसमें कुछ पत्रकार हैं, कुछ अभिनेत्री हैं। समाजसेवी महिलाओं की सूची में वह महिलाएं भी शामिल हैं जिन्होंने संघर्ष किया है और उन पर अत्याचार भी हुआ है। सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद को फर्रुखाबाद से टिकट दिया गया है। कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा को रामपुर खास से टिकट दिया गया है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में महिलाओं को खासी तवज्जो दी गई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, क्या कांग्रेस की महिला उम्मीदवार कांग्रेस की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगी। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।